नमस्कार, जय हिंद साथियों। इस वीडियो को आप देखिए, इस वीडियो को देखना, इस वीडियो को शेयर करना आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने जूनियर्स को संभालते संभालते अब कितना संभाले, दोपहर के 2 बजे कल से निकले, अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। 10 घंटे से तड़प रहा है ये बच्चा, वही कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। शेयर करते जाइए इस वीडियो को, सबको सुनना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को, इस बात को सुनना सबको जरूरी है। हर भारतीय तक ये आवाज पहुंचनी बहुत जरूरी है। इंडियन एम्बेसी में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। इनका नाम, बच्ची हर प्रॉब्लम बता रही है। विक्रम कुमार, वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूअसली रिजेक्टिंग अवर कॉल्स। जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है, और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला कि वो न्यूज हेडलाइन है जिसके बारे में कल से बताया जा रहा है कि आप कीव छोड़ के चले जाइए। बच्चे बता रहे हैं कि कैसे निकलेंगे, निकलना इतना आसान नहीं है, कोई साधन नहीं है निकलने के लिए। इग्नोरिंग अस, सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजंस फ्रॉम बॉर्डर, द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर करंट लोकेशन। शेयर कीजिए हाउ आर वी एज अ स्टूडेंट सपोज टू रीच दोज बॉर्डर्स। आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग आप संख्या सुनिए, चालू करिए, भारत सरकार कह रही है जो संख्या, और ये बच्ची जो बता रही है 20 से 30 हजार बच्चे वहाँ पे यहाँ पे स्टक है। इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, सॉरी फॉरन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। प्लीज आप लोग हमें मदद करें, हमें कुछ नहीं पता, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है क्यू में वो बंद हो चुकी है, मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी। कोई तो अब यहाँ पे कोई साधन नहीं है और बच्चों से कहा जा रहा है कि देश छोड़ दीजिए, शहर छोड़ दीजिए, हम अपनी कंट्री लौट सकते हैं। ये बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी है पूरे भारत के लोगों के लिए, उनके लिए भी जिनके बच्चे वहाँ पे, और उनके लिए भी जिनके बच्चे नहीं है, एक भारतीय होने के नाते। गुड इवनिंग, मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम शाकंभरी श्यामलोचन पाटिल है, आई एम फ्रॉम पेट्रोमोयला ब्लैक सी यूनिवर्सिटी। हम ये 3 दिन से हमले चल रहे हैं और हम स्टक है बंकर में फ्रॉम पास्ट 3 डेज, वी कांट इवन मूव। थोड़ी कोशिश कीजिए और इस दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। हर भारत के लोगों तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है कि जो जो मीडिया में आ रहा है वो, और जो सच्चाई है यूक्रेन की वो देखना बहुत जरूरी है। ये हालत देखिए, बच्चे कैसे बैठे हुए हैं। मेरा नाम है प्रिया भानुशाली, मैं मुंबई की रहने वाली 6th ईयर की स्टूडेंट हूँ जो ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ये उस खार्किव के बारे में बात हो रही है जहाँ पर कल रात से बहुत ज्यादा गोलीबारी हुई है। खार्किव में हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ कंटिन्यूसली एक्सप्लोजन हो रहे हैं, कीव में मेरे फ्रेंड के आंखों के सामने उनकी पूरी यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया है। हम मीडिया में शेयर कर रहे हैं कि भारत का झंडा लगा देने से कुछ नहीं हो रहा है। इस बच्ची की बात को सुनिए, कौन इंडियन है, कौन क्या है, इससे पटाख हो जा रहे हैं। राइट नाउ ओडिशा में उतनी बुरी हालत नहीं है, यहाँ सिर्फ फायरिंग्स हो रही है, हम 3 दिन से नहीं सोए हैं क्योंकि यहाँ अलार्म्स बजते हैं, कभी भी साइरेंस बजते हैं जहाँ हमें बोला जाता है कि तुरंत बंकर में जाओ, हमको बोला जाता है कि घर के अंदर रहो, पैक रहो, इवैक्यूएशन होगा। हम जब भी किसी से बात करते हैं कोई नहीं कहते हैं कर रहे हैं। लास्ट 2 दिन से हम जब भी किसी से बात करते हैं बहुत रूड रिप्लाइज मिलते हैं, हमको भी अंडरस्टैंड सपोर्ट ग्रुप्स दे हैव बीन सेट अप फॉर हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, बट ओडिशा जो सिटी है वो एकदम पोर्ट साइड है, हमारा नियरेस्ट बॉर्डर चेक पॉइंट जो रोमानिया का है वो भी एटलीस्ट 10 आवर्स दूर है, और राइट नाउ बिकॉज मार्शल लॉ इट इज नॉट पॉसिबल। शेयर करते जाइए जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए इस आवाज़ को, इस बच्ची की आवाज़ को पहुँचाइए उस अधिकारी तक, उस प्रशासन तक, उस सरकार तक जो जिम्मेदार है और जो सक्षम है इन लोगों को बाहर निकालने में। सिर्फ कॉल्स पे है, हमारा नियरेस्ट बॉर्डर मोल्डोवा है विच इज 2 आवर्स अवे, बट वहाँ अभी तक इंडियन स्टूडेंट्स को जाने के लिए अलाउड नहीं है, एंड उधर भी जाना वी आर नॉट श्योर कितना सेफ है, वी डोंट नो व्हाट टू डू एंड वी नीड योर हेल्प, यूएस ऑल द एम्बेसीज वी नीड देयर सपोर्ट। बच्चे रो रहे हैं, वी जस्ट ट्राइंग टू काम आवर पेरेंट्स बट वी डोंट नो व्हाट टू डू, जस्ट प्लीज अरेंज समथिंग, airlift us or send some convoys with us because there's no guarantee of our life anymore. Just please help us.
मेरा नाम गरिमा मिश्रा है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने कुछ वीडियोस देखी है, जब अभी शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। हमारी कॉल नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जिस जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता, जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाय ट्रेन, क्योंकि हम बाय ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाय कैब और बाय बस, उनको रशियन पीपल ने, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पे फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमारे हमें वीडियोस मिल रही है, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि आप लोग एक कमेंट के जवाब में दूंगा, मैं बाद में दूंगा, पहले इस बच्ची की आवाज को सुनिए। और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है, तो प्लीज अब कहां सबसे बात करूंगा, शेयर कीजिए पहले इसको। मोदी जी जो भी है, प्लीज, हम वीडियो देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा, क्या पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, जरूरी नहीं कि हमारे बच्चे, आपके घर के बच्चे अगर वहाँ नहीं है तो इस स्थिति से हम मुंह मोड़ लें। इंडियन आर्मी को इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है, सबको समझना बहुत जरूरी है। हम बच सकते हैं, बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बच्चे इस स्थिति में भी जय हिंद और जय भारत का नारा लगा रहे हैं, उस देश से उम्मीद कर रहे हैं जो देश उनको निकालेगा। प्लीज आप हमारी हेल्प करो, प्लीज, जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। हम लोग यहाँ से 3 दिन से आए हुए हैं, 3 दिन से इंडियन एम्बेसी ने बोला हम आपको निकालेंगे, निकालेंगे। हर 5 मिनट में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कल पूरी रात की में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। अब इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं कोई बात तक करने को आने के लिए तैयार नहीं है, ये लोग जो भी आ रहे हैं बोल रहे हैं अपनी रिस्क पे निकल जाओ। बाहर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि 5 मिनट में आप लोग खड़े रहो। खाना दे रहे ये लोग 10 लोगों के बीच में एक प्लेट, वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं, खाना पीना हर चीज मैनेज कर, पर एटलीस्ट इवैक्यूएशन का कुछ तो बात करें। सबसे अनसेफ 540 जिसमें अभी इंडियन एम्बेसी के पास 500 हर बच्चा कीमती है, ये समझना होगा भारत सरकार को, निकल जाओ 40 हर जिम्मेदार व्यक्ति को इंडिया की एक फ्लाइट से, और न्यूज में दिखा रहे कि ये लोग सबको निकल दिया, क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ के? एटलीस्ट आप बात करिए, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, निकलवाइए एटलीस्ट। जैसा आप देख सकते हैं, हम सभी जितने भी स्टूडेंट्स पीछे फंस रखे हैं, 3 रात -5 डिग्री टेम्परेचर, खुले आसमान के नीचे बच्चे परेशान हैं, फूड प्रोवाइडेड नहीं है, शेयर कीजिए। हमारे लिए बंद कर दिया गया है और जैसे कि बोला जा रहा है कि एम्बेसी इवैक्यूएट कर रही है, हमें कोई इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ कुछ सिलेक्टेड जो कॉलेजेस है उनको उनके एजेंट्स आके हेल्प कर रही है अंदर जाने के लिए, और हमारे भी कॉलेज से कोई एजेंट्स वगैरह नहीं आए हैं और हम यहाँ अभी भी फंस रखे हैं ठंड। युद्ध की स्थिति में रात में बच्चे खड़े हैं, आप समझ सकते हैं, ये नजारा देखिए और समझिए इस चीज को। हाँ खालिद साहब, मैं दूंगा जवाब आपके बात का, मैं पहले इस वीडियो को आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले इस वीडियो को देखिए। फ्लोर में सो रहा है, ये हो रहा है इवैक्यूएशन एम्बेसी की तरफ से, आप देख सकते हैं, ये इनका इवैक्यूएशन। ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मैं आप लोगों को परेशान करूं, इस वीडियो को मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए दिखाया, इन बच्चों की आवाज मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए सुनाई कि ये समझना बहुत जरूरी है कि स्थिति जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो, और स्थिति जो वास्तव में वहां पर है वो, इसमें कितना बड़ा अंतर है। एक मौत हो चुकी है, कल 48 घंटे होने जा रहे हैं उस मौत को, लेकिन अब तक उस बच्चे की बॉडी कहां है ये उस मां बाप को नहीं पता है। आज उस बच्चे के पिता ने, नवीन के पिता ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि जिंदा मेरा बच्चा वापस नहीं आया तो कम से कम उसकी लाश तो मुझे दे दीजिए, लेकिन भारत सरकार इस समय नाकाम है उसकी लाश भी भारत तक लेकर के आने में। मैंने कल इस बारे में बात करी एक वीडियो के माध्यम से, उस वीडियो के बाद में मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं, मुझे बहुत सारी जो है गालियां दी गई हैं, मेरे परिवार को गालियां दी गई, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई, मुझे भी जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन मुझे इस बात से अब कतई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब इस देश में एक धर्रा बन गया है कि अगर आप अपनी आवाज उठाते हैं, अगर आप सच के साथ हैं, तो या तो आप देशद्रोही हैं या फिर आप किसी पार्टी विशेष के सदस्य हैं। तो आप चाहे मुझे देशद्रोही मानिए या आप मुझे किसी पार्टी विशेष का सदस्य मानिए, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। मैं आवाज उठाऊंगा, मैं हर उस बच्चे के लिए आवाज उठाऊंगा जो इस समय जो है यूक्रेन में फंसा हुआ है, और तब तक मेरी आवाज जो है वो बुलंद रहेगी, मैं बोलता रहूंगा जब तक कि हर एक बच्चा, हर एक भारत का नागरिक जो है वो वहां से, यूक्रेन से वापस भारत में सकुशल वापस नहीं आ सकता है।
ये ऑपरेशन गंगा जो चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन गंगा की रफ्तार इस बात से आप समझ सकते हैं कि कल जो है सुबह सुबह इस बात की घोषणा की गई कि भारत की वायुसेना को शामिल किया जाएगा इस ऑपरेशन में, और 24 घंटे बीत चुके हैं, वायुसेना का एक भी जहाज जो है वो इस योजना में शामिल होकर के यूक्रेन की तरफ उड़ान नहीं भर चुका है। हम बात कर रहे थे जिस कॉरिडोर के बारे में, जिस रोमानिया बॉर्डर के बारे में, आपने वीडियो में देखा कि उस रोमानिया बॉर्डर से बच्चे 1000 किलोमीटर दूर पे हैं। मेरी बात हुई है आज एक बच्चे से फोन व्हाट्सएप के माध्यम से, जो कि पश्चिमी चंपारण में बगहा के पास का रहने वाला लड़का है, उस बच्चे से मेरी बात हुई है। उस बच्चे ने मुझे बताया है कि वो लोग 200 बच्चे जो है एक साथ जो है निकल करके और अभी जो है वहां से बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस बच्चे ने मुझसे जो रिक्वेस्ट किया है व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं आपको वो चैट भी अभी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, कि उस बच्चे ने ये बोला है कि सर मैं यहां से रोमानिया बॉर्डर की तरफ जा रहा हूं, लेकिन मेरा एक दोस्त है और उसके साथ बहुत सारे भारत के छात्र हैं जो कि खार्किव में फंसे हुए हैं। खार्किव वो इलाका है जहां से अभी तक किसी भी बच्चे को है वो निकाला नहीं जा सका है। खार्किव वो इलाका है जहां पे कल रात से भयंकर तरीके से गोलीबारी हो रही है। जो वहां पे मिलिट्री का जो ट्रेनिंग सेंटर था, जो एकेडमी जो मिलिट्री का जो था वहां पे यूक्रेन की तरफ से, उसको पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है। सिविलियंस के ऊपर में जो है बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक किया जा रहा है पूरी रात में। तो इस बात को समझिए कि ये प्रॉब्लम जो है वो कितनी बड़ी हो चुकी है। देखिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस जंग, ये जो जंग हो रही है इसमें यूक्रेन जायज है या इस जंग में रूस जायज है। मेरी समस्या जो है ना, ये जो भारत में जो एक जो मोनोपोली बन चुकी है कि अगर बंगाल में चुनाव होते हैं तो हम बिहार में झंडा उठाते हैं, यूपी में चुनाव होते हैं तो हम दिल्ली में झंडा उठाते हैं, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जय जयकार करने से। ठीक उसी तरीके से यहां पे लोग अभी हम जो है चाहे कितनी भी वाहवाही कर लें रशिया की, चाहे कितनी भी निंदा कर लें यूक्रेन की, उससे हमारे भारत के जो लोग वहां फंसे उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो जो वास्तविक खबर है ना उसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है उसमें और जो वास्तविक स्थिति उसमें बहुत बड़ा फर्क है। खार्किव से कोई बच्चा नहीं निकला हुआ है। मेरी लगातार बात चल रही है वहां बच्चों से, व्हाट्सएप के माध्यम से और वीडियो कॉल के माध्यम से मैं बच्चों से बात कर रहा हूं। बच्चे जो स्थिति बता रहे हैं और जो मीडिया में जो स्थिति दिखाई जा रही है वो बहुत अलग है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि फेसबुक के ऊपर में कट कॉपी पेस्ट जो है ना सिर्फ यही चल रहा है। हमारी तरफ से क्या मिल जाएगा, ये प्रचार करके, ये प्रोपगंडा करके क्या मिल जाएगा? प्रोपगंडा उस बात का कीजिए कि हमारा कोई नहीं फंसा हुआ है वहां पे, सारे बच्चे सकुशल वापस आ गए हैं, इस बारे में बात कीजिए। और जो लोग मुझसे इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि ये बच्चे क्यों गए थे वहां पर पढ़ने के लिए, तो इसका जवाब मैं कल भी दे चुका हूं। मैं फिर बता रहा हूं कि हमारी नाकामयाबी है कि हमारे बच्चों को जो है वो सस्ती पढ़ाई वहां मिलती है, महंगी पढ़ाई यहां मिलती है, इस वजह से वहां वापस जाना पड़ रहा है। आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना अभी के टाइम पे, मेरी पेरेंट्स से बात हुई है, 50-50 लाख रुपए कर्जे में डूबा हुआ है पेरेंट्स, जो अपने बच्चों को कर्जे पे पैसा लेकर के, बैंक से लोन लेकर के, किसी से ब्याज पे पैसे लेकर के और अपने बच्चे को विदेश में मेडिकल पढ़ने के लिए भेजा है, उनके सामने सबसे बड़ी स्थिति ये आ गई है कि वो लोग कर्जे में डूबे हुए। मैं आपको बता दूं कि विदेश में जाने वाला जो बच्चा जो मेडिकल पढ़ाई करने जा रहा है ना वो कोई बहुत पैसे वाला नहीं होता है। अगर वो पैसे वाला होता तो भारत में 1.5 करोड़ रुपए में पढ़ाई होती है एमबीबीएस की, वो पढ़ लेता, लेकिन वो सस्ती पढ़ाई के लिए वहां जाता है, मिडिल क्लास फैमिली से है, मेरे और आपके जैसे परिवार के लोगों के से वो बच्चा निकल के आया है, और उनके सामने सबसे बड़ी स्थिति ये हो गई कि पढ़ाई बंद है, बच्चा फंसा हुआ है और कर्जे वाले उनसे दिन रात कर्जा मांग रहे हैं। तो मेरा देखिए आरोप नहीं लगाना है मुझे किसी के ऊपर, मैं भी मुझे किसी से केस से कोई शिकायत नहीं है। मेरी बस हाथ जोड़ के विनती है, मैंने कल भी हाथ जोड़ा था, मैं आज भी हाथ जोड़ रहा हूं और मैं तब तक ये हाथ मेरे जुड़े रहेंगे जब तक कि मेरे सारे लोग वहां से वापस नहीं आ सकते। तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं भारत सरकार से और हर उस लोग से जो जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के लिए, जो जिनके हाथ में है इस स्थिति को बदलना, कि किसी भी तरीके से बच्चों को वहां से वापस लेकर के आइए। ये वहां पे कमाने नहीं गए थे, ये वहां पर जो है घूमने नहीं गए थे, ये वहां पे एक बेहतर भविष्य के लिए गए थे और उस भविष्य के लिए गए थे जिससे कि कल होकर के भारत को ही फायदा मिलने वाला था। ये डॉक्टर बनकर के आकर के आपका इलाज करते, देश की सेवा करते, हमारे जैसे लोगों की सेवा करते। तो इस बारे में प्लीज आप लोग बात कीजिए। भारत सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे हैं उनको सकुशल निकालिए। खार्किव में स्थिति बहुत खराब है, मैं खार्किव के बच्चों के टच में लगातार हूं, खार्किव से बच्चों को निकालने के बारे में सोचिए। अगर 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 रोमानिया साइड से बच्चे नहीं निकल पाए तो रशिया साइड से निकालिए, कुछ भी कीजिए लेकिन बच्चों को निकालिए। और मेरे इस आवाज से अगर किसी को लगता है कि मैं देशद्रोही हूं तो मैं किसी के तलवे नहीं चाटूंगा। मैंने कल भी बोल दिया, मैं आज ही बोल रहा हूं कि मैं चाटुकारिता नहीं करूंगा। मेरी बात जिसको बुरी लग रही है वो वही इंसान हो सकता है जिसके घर का कोई बच्चा जो है वो या तो नहीं फंसा है, या फिर वो वही इंसान हो सकता है जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं बनता है। उसके लिए ये लड़ाई जो है ना
वो नेटफ्लिक्स और किसी वेब सीरीज का कोई एपिसोड है मात्र है, उसको इस स्थिति से कोई मतलब नहीं है कि बच्चे वहां पे किसी में फंसे हुए हैं। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना जल्दी हो सके बच्चों को वहां से वापस लाने की इस मुहिम में हमारा मदद कीजिए। आप सब लोगों से इसी बात के मैं गुजारिश करता हूं और इस बात को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। जय हिंद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।